हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य जी लाइव टच। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूं, बहुत ही गजब है। तो जिन दोस्तों का ये मानना है कि हमारा पैसा कब मिलेगा और कितना समय लगेगा, तो आज का वीडियो में जो टॉपिक है इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन दोस्तों का यही सवाल था कि हमारा जो पैसा लगभग कितने दिनों के अंदर मिल जाएगा और लगभग जो टाइम लग रहा है तो कितना टाइम लग रहा है और इसका पीछे रीजन क्या है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही सब बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले बहुत से निवेशकों ने कमेंट करके पर्सनल पूछा था कि सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है बहुत सही दिया है, लेकिन बहुत से जो चैनल वाले हैं वे लोग बताते हैं कि PSL का पैसा मिलना शुरू हो गया है और बहुत से निवेशक का पैसा आ गया, तो सर क्या ये सच में उनका पैसा आ गया है या फिर झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही सब इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत अधिक प्यार जताया हमारे चैनल पे और आधी से अधिक आप लोग अब हमारे अपने चैनल पे बहुत अधिक सदस्य हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ सब जो सदस्य हमारे अपने इस मौर्य जी लाइव टच का जो जितने भी सदस्य हैं उन सभी का अपने इस परिवार पर विश्वास था और विश्वास है, इसलिए वे सभी लोग हमसे जुड़े हैं और अपना इस परिवार में सहयोग दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसलिए आप लोगों को सही सलाह देता हूँ, ना कि फेक सलाह देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जब विश्वास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और भी हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को उस विश्वास के हिसाब से आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूँ और सही जानकारी दूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करता हूँ। ओके दोस्त, तो बात आती है कि जो सर अदर चैनल वाले जो बता रहे हैं कि PSL भुगतान शुरू हो गया है, इतने निवेशकों को भुगतान आ गया है और इतने का आने वाला है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब सरासर झूठ है। अभी तक किसी भी निवेशक का भुगतान नहीं हुआ है और ना अभी होगा, क्योंकि अभी तक मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि इसका रीज़न क्या है कि भुगतान नहीं हो पा रहा है। और जो आप लोग बता रहे हैं कि बहुत से निवेशक आ गया, तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया है, बहुत लोगों ने अगर कोई भी आपको पासबुक दिखा रहा है तो उसका पहचान भी मैंने आपको बता दिया है कि इसका पहचान क्या है। आप लोग अगर कोई भी दिखाएगा कि ये देखो हमारा भुगतान आ गया, तो उसमें आप कैसे जानेंगे कि आपका ये जो PSL का भुगतान आया है या फिर अदर कंपनी से आया या फिर कहीं और से आया है। दोस्तों, कहीं से भी कोई भी भुगतान होता है तो उसका नाम लिखा रहता है, उसका वहाँ पर कोई ना कोई क्लू जरूर रहता है कि जिससे कि वो लगेगा कि हाँ ये यहाँ का भुगतान है। ओके दोस्त, तो मैंने आपको बता दिया कि भुगतान जो होगा PSL निवेशक का कैसे होगा। तो दोस्तों, और बात अब आती है कि हमारा जो है भुगतान कब मिलेगा और कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। तो अब इस बात को जानने के लिए तैयार हो जाएंगे तो दोस्तों इस बात को बताने से पहले आप लोगों से मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ हमारे चैनल को यहां पर रेड कलर का जो बटन है इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आए हुए बेल आइकन को भी ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके सेव कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी। ओके दोस्त, तो बात आती है कि हम लोगों का भुगतान जो होगी कब तक मिलने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों संभावना ही बता सकता हूँ मैं, कंफर्म नहीं बता सकता कि कब से मिलेगा, क्योंकि 16 सितंबर लास्ट है खरीदारों के लिए, तो उसके बाद यानी सितंबर के बाद अक्टूबर तक हम PSL निवेशकों का भुगतान शायद मिलने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर के बाद ही PSL निवेशकों का भुगतान जारी होगा और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि अब जो होगा PSL निवेशकों का भुगतान जो होगा वो होगा तो ब्याज सहित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना,
अब जो होगा ब्याज सहित ही भुगतान होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक लेकिन लगा हुआ है। उन्होंने बताया है कि अगर आप लोग कंफर्म भी आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको कैसे बताया, तो दोस्तों मुझको उन्होंने पर्सनली नहीं बताया है, ना मैं मुझको पर्सनली था, ना मैं उनका कोई जान पहचान का हूँ, ना कोई उनका रिश्तेदार हूँ, ठीक है दोस्त। वो लोग पर्सनली मुझे नहीं बता सकते, वे लोग साइड पे अपलोड कर रहे हैं, इस करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सही भी देगा तो वो अपने पोर्टल पे पब्लिक नोटिस में अपलोड करेगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं से भी जाएं और वहाँ पर देख के पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, जो कहता हूँ आप लोगों को सामने लाइव प्रूफ के साथ कहता हूँ, और जो भी काम करता हूँ लीगल काम करता हूँ, अनलीगल काम नहीं करता हूँ, कि मैं आप लोगों को ऐसे बता दूँ और ऐसे बता दूँ, ठीक है दोस्त। तो ये इसलिए मैं बोला कि जो कि आप लोगों का जो भुगतान होगा वो होगा आपका अक्टूबर के बाद या फिर सितंबर के बाद या फिर अक्टूबर से स्टार्ट होगा, अक्टूबर से किसी न किसी का आरा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हम निवेशकों का जो वहाँ पर बताया गया था कि बहुत से निवेशक का वेरीफाई में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उनका जो डाटा भेजे थे उसमें भी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम आए थे, तो उन सभी का भी वेरीफाई होने की संभावना बताया जा रहा है और उनको भी दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर बात आती है कि जो भुगतान होगा वो किस में जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो जैसा कि आप लोगों ने कंपनी के पास अपना डाटा भेजा था तो उसमें आप लोग का पासबुक भी गया है और चेक भी गया है, इन दोनों में से जो आपने जो भी लगाया हो जैसा लगाया हो तो उसमें जो आपका पेमेंट होगा या फिर भुगतान होगा, तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। जी हाँ, तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, जिस उस मैसेज में आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि जो होगा आपका भुगतान वो आने वाला है कब, या फिर वेरीफाई कर रहे हैं तो वेरीफाई का भी आपको उस मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, उसके ज़रिए वह आपको पता कर लेंगे कि हाँ आप वही पर्सन हैं जिन्होंने आपने अपना भुगतान के लिए आवेदन किया है एंड रजिस्ट्रेशन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब प्रक्रियाएं फाइनल होने के बाद ही आप लोगों का भुगतान होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितने दोस्तों के पास सेबी की तरफ से कॉल आया हुआ है, क्या आपके पास कॉल आया है? नहीं, तो आपके पास अगर कॉल अभी तक नहीं आया या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अभी आपके मोबाइल पर नहीं आया तो आपको भुगतान कैसे होगा, ये भी सोचो दोस्त। अगर आपके मोबाइल पर कोई इन्फॉर्मेशन सेबी की तरफ से आ गया या फिर कॉल आ गया या फिर वेरीफाई करने के लिए उन्होंने कोई कुछ सवाल आपसे पूछे हैं, तब तो मैं मान लूँ कि हाँ आपका भुगतान होने का पूरा चांस है। अगर आपके पास कम सेबी की तरफ से कोई भी ना तो कॉल आया ना तो कोई इन्फॉर्मेशन आया आपके मोबाइल पर, तो ये समझ लीजिए अभी आपका काम वहाँ पर नहीं हुआ है, ना भी अभी आपको भुगतान होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आ गई थी कि भुगतान में कौन कौन सी बाधाएं हैं, मैंने आपको सारी बाधाएं बता दी कि कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं और कब आपको भुगतान मिलने की चांस है पूरा। तो यहाँ पर अब आपका जो भुगतान जल्द ही होगा, तो दोस्तों इसलिए मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, आप गलत वीडियो के शिकार मत होइएगा, आप लोग जो सोचते हैं कि हमारा भुगतान शुरू हो गया उनका भुगतान शुरू हो गया, ये सब गलत दोस्तों फेक है, इसके चक्कर में मत पड़िए। अभी तो ये जो कंपनी है इतनी जो सेबी है इतनी जल्दी हम पेंशन निवेशकों का भुगतान करने वाला नहीं है, अगर इतनी जल्दी और इतनी आसानी से भुगतान करना होता तो इतना टाइम नहीं लगता और ये कब का आप लोगों का भुगतान कर दिया होता दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भुगतान होगा सोच समझ के वो लोग करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कंफर्म है कि आप लोगों का भुगतान जरूर होगा, भुगतान होगा, लेकिन इतनी जल्दी ये लोग करने वाले नहीं हैं, इसके लिए वे लोग थोड़ा टाइम ले रहे हैं
और टाइम लेने के बाद वो सब प्रक्रियाएं फाइनल करने के बाद ही हम निवेशकों का भुगतान फाइनल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक सेबी ने पोर्टल पे एक सूचना दी थी कि सेबी ने पोर्टल पे एक सूचना दी थी कि पीएसएल निवेशकों, अब आप लोगों का जो पैसा निवेश हुआ है, जो फंसा हुआ है, इसी प्रकार के बहुत सारी कंपनियां अब लॉन्च हो रही हैं, बहुत सारी कंपनियां उनसे रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और बहुत सी कंपनियां अपनी अथॉरिटी ले रही हैं उस कंपनी को चलाने के लिए। तो दोस्तों उन्होंने बहुत सारी कंपनी को बैन किया है और बहुत सारी कंपनी को अथॉरिटी दी है कि काम करिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को चूज करना है, पसंद करना है कि किस कंपनी में आपको पैसा निवेश करना है, किस कंपनी में पैसा नहीं निवेश करना है, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस कौन सी कंपनी फ्रॉड है, कौन सी कंपनी फ्रॉड नहीं है, तो अगर आप लोग जानना है तो इसका वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बनेगा, लेकिन आप लोग चाहेंगे तब। तो ओके दोस्त, आज के वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था। अब आज नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों की सलाह की ज़रूरत है, जो मैंने अभी आपसे एक रिक्वेस्ट की कि जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी फ्रॉड है, कौन सी कंपनी लीगल है और कौन सी कंपनी सही वर्क करेगी, कौन सी कंपनी सही वर्क नहीं करेगी। अगर इस कंपनी के इन सभी टॉपिक के बारे में, कंपनी के बारे में जानना है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आप लोगों को पूरा पूरा चिट्ठा भेज दूंगा और आप लोग उस वीडियो में पूरा चिट्ठा खोल दूंगा, जिससे कि आप लोग पता कर सकते कौन सी कंपनी लीगल थी और कौन सी कंपनी लीगल है और कौन सी कंपनी लीगल नहीं है। तो ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अधिक अधिक शेयर करके ही जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मौर्य जी लाइव टच आप सभी के लिए डेली लेकर आएगा टेक्निकल एंड चिट फंड कंपनियों से जुड़ी हर एक न्यूज, जो कि आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्त, थैंक यू आप सभी का हमारे इस चैनल पे अधिक अधिक प्यार दिखाने और जताने के लिए। थैंक्स आप सभी का।